और देखो संस्कृति और कल्चर ना हमारे इंडिया का इस मामले में बहुत अच्छा है। वो लोग आपको रोकेंगे और टिकट की बात करेंगे, लेकिन टिकट अंडर 18 जो चाइल्ड हैं उनकी टिकट यहाँ फ्री है। एक्चुअली बहुत धनी शहर हुआ करता था 2200 साल पहले। ये एक लकड़ी का घोड़ा था, उस वक्त एक ही परिवार के चार लोग थे। और ये देखो ओरिजिनल खोपड़ी। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम हैं इटली के शहर नेपल्स में और आज हम जाने वाले हैं पोम्पई को घूमने। पोम्पई एक ऐसा शहर जो 79 एडी में माउंट विस्युवियस के इरप्ट होने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ध्वस्त हो गया था, राख हो गया था। और वहाँ पर उस वक्त कोई 15,000 से 20,000 लोग रहते थे और हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। तो हम चल रहे हैं पोम्पई को घूमने। पोम्पई नेपल से 26 किलोमीटर दूर है और आप बस से, टूर से, टैक्सी से और ट्रेन से जा सकते हैं। हम जा रहे हैं अभी ट्रेन से क्योंकि हमारे पास है यूरोरेल का ग्लोबल पास और वो यहाँ पर वर्क कर रहा है, लोकल ट्रेन्स में भी कर रहा है, मेट्रो में नहीं करता। लेकिन थोड़ी सी सिटी में आसपास दूर जाने के लिए 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाने के लिए वो वर्क कर रहा है, तो हमारे पास ग्लोबल रेल पास है। इस वजह से हम जा रहे हैं ट्रेन में। 26 किलोमीटर की दूरी ट्रेन जो है वो 30 मिनट में तय करेगी और 30 मिनट बाद हम पहुँच जाएँगे पोम्पई में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इटली का मस्ट विज़िट अट्रैक्शन भी है कहते हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वीडियो से आपको पता लग ही जाएगा। और हमारे साथ है हमारी प्यारी फैमिली, यश मैडम और अपना प्यारा बेबी मन्नी। हेलो दोस्तों। हेलो। और भाई एक और कंफ्यूजन जो हमारे को थी, यहाँ पर है एक स्टेशन जो है नेपोली सेंट्रल, एक स्टेशन है स्टेशन पियाजा गरिबाल्दी। ये नाम आपको बहुत आएगा जब भी आप ट्रेन बुक करने लगेंगे और आपको कंफ्यूजन रहेगी कि ये सेंट्रल वाली स्टेशन की ट्रेन बुक कराऊं या गरिबाल्दी की ट्रेन बुक कराऊं। तो ये दोनों जो स्टेशन है वो आप ये समझो कि एक ही बिल्डिंग में है। ऊपर है सेंट्रल स्टेशन और नीचे है पियाजा गरिबाल्दी स्टेशन, तो ये दोनों एक ही स्टेशन है। अगर आप आ रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो, सेंट्रल की मिले, गरिबाल्दी की मिले, कहीं की मिल जाए, एक ही बिल्डिंग में है। ऊपर सेंट्रल स्टेशन है, नीचे बिल्डिंग है। ट्रेन आ गई और हमारी भी ट्रेन आ गई है भाई। शायद ये सब लोग घूमने जा रहे हैं पोम्पई। ट्रेन का टाइम था 11:27 आफ्टरनून और बिल्कुल 11:27 पे बहुत से लोगों को सीट नहीं मिली थी। भाई अगर आप आओ यहाँ पर ट्रेन में तो थोड़ा सा इंडियन स्टाइल दिखाना, भाग भूक के अपनी सीट पकड़ लेना, नहीं तो खड़े रह जाओगे। और यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला है नहीं। जैसे मैडम बैठी हैं तो ये बैठी हैं, इनको अगर कह दोगे ना कि आप यहाँ बैठ जाओ, बच्चा हमारे साथ है, तो कोई उठने वाला नहीं है यहाँ पे। और देखो संस्कृति और कल्चर ना हमारे इंडिया का इस मामले में बहुत अच्छा है। बेशक बैठ जाएँ आगे धक्का धुक्का देके हमारे इंडिया में, लेकिन कुछ भी कहते ही उठ जाते हैं। इनफैक्ट अपने आप ही उठ जाते हैं बच्चों को देख के, लेडीज़ को देख के। हमारा स्टेशन आ गया है, पोम्पे बोलते हैं भाई। मैं पोम्पई बोलूं, पोम्पे बोलूं, पोम्पे बोलूं, जो भी बोलूं कोई बात नहीं, प्रोनंसिएशन की माफ़ी है। अभी इस ट्रेन ने आगे भी जाना है और लगभग 70% ट्रेन पोम्पई पे खाली हो चुकी है और ये सब टूरिस्ट होंगे जो पोम्पई पे उतरे हैं। स्टेशन से जैसे आप थोड़ा सा बाहर आएंगे यहाँ पर
टूरिस्ट सर्विस का ये बोर्ड लगा हुआ है, टिकट ये सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टिकट ये दे रहे हैं 22 यूरो की। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर काउंटर पे जाएंगे पोम्पई के, वहाँ मिलेगी 18 यूरो की, और यहाँ पर आप लगेज डिपॉजिट करा सकते हैं। और ये लोग जो 22 यूरो की टिकट देते हैं उसमें स्किप द लाइन होती है, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और स्टेशन से बाहर निकलते ही पोम्पई रूइंस के लिए जो आर्कियोलॉजिकल साइट है सीधा जाना है, वो जो बीच में चर्च दिख रही है उससे फिर लेफ्ट है, पहले चर्च तक चलते हैं। और ये कुछ नज़ारा है बाहर स्टेशन का, ये माउंट विसुवियस के लिए बस जा रही है यहाँ से, वो भी देखेंगे माउंट विसुवियस, पहले वहाँ पहुँच जाएँ हम पोम्पई आर्कियोलॉजिकल साइट पे। और लगेज डिपॉजिट का जो रेट है वो है 5 यूरो और 3 यूरो, बड़ा लगेज है तो 5 यूरो है टिल 6 PM तक। बैगेज डिपॉजिट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए थी। यहाँ से लोग जाते हैं अमाल्फी को, तो पोम्पई नेपल्स के बीच में पड़ता है, नेपल्स पोम्पई फिर अमाल्फी, तो कई बार लोग यहाँ पर पोम्पई को घूम के आगे अमाल्फी की तरफ निकल जाते हैं। हमारा भी कुछ ऐसा ही प्लान था लेकिन बैगेज का कुछ सही से पता नहीं लग पा रहा था। तो भाई आपने अगर आना है नेपल्स से पोम्पई घूमने और आगे जाना है अमाल्फी कोस्ट, तो आप बैगेज अपना यहाँ डिपॉजिट करा सकते हैं स्टेशन पे 5 यूरो में 3 यूरो में टिल 6 PM, और फिर आगे आप अपना शाम को यहाँ से ट्रेन पकड़ के सोरेंटो की, सोलेरनो की, अमाल्फी कोस्ट को जा सकते हैं। ये देखा हमारा ओरियो मिस्टर। रास्ते में आपको बहुत सारे टूरिस्ट ऑफिस मिलेंगे, वो लोग आपको रोकेंगे और टिकट की बात करेंगे, लेकिन टिकट आज हम जो हैं वो मेन एंट्रेंस से ही लेंगे जाके, क्योंकि पहले 2 बार ऐसा कर चुके हैं कि गाइड लिया था, एक बार वो अपने पंजाब वाले पाजी ने बचा दिया था कि भाई जाके लाइन में लग जाओ और कोलोसियम की टिकट ले लो। और अगर आप गाइड वगैरह ले भी रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हो, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो क्या होता है जिस तरफ को पूरा भीड़ जा रही हो वहाँ की तरफ चलते जाओ। जैसे वेटिकन म्यूज़ियम था तो वहाँ पर जैसे जैसे पब्लिक जाई जा रही थी बस वो दिखता जा रहा था, हमने गाइड ज़रूर ले ली बस वो पब्लिक के पीछे ही वो चल रही थी। तो वहाँ पे हमने खर्चे थे 130 यूरो, जबकि वो काम था शायद सिर्फ 44 यूरो का, तो वो 90 यूरो आप उसे बेकार मान लो, उसे एक्सपीरियंस मान लो, तो वो एक्सपीरियंस ही है कि आज हम नहीं लेंगे ऐसा कोई भी गाइड वगैरह, सीधा सीधा जाएंगे, चीज़ें लिखी होती हैं पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत और आपको बताते रहेंगे। और अगर आपने कोई कार वगैरह बुक की है जो सेल्फ ड्रिवन कार होती हैं तो पार्किंग के रेट यहाँ पर है पोम्पई में ये 30 मिनट के लिए 50 सेंट और 1 घंटे के लिए है 2 यूरो। वेंडिंग मशीन्स वहाँ लगी हुई हैं, आप वहाँ से अपनी टिकट 1 घंटा 2 घंटे जितने भी घंटे आपको लगता है आपको जाना है वो आप ले सकते हैं, सामने जो मशीन है वेंडिंग मशीन। एंट्री गेट है सामने और यहाँ पे अभी कुछ हम रुके हैं जूसेस वगैरह पीने, हमने लिया है ब्लूबेरी, मन्नी ने वाटरमेलन और मैंने लिया मिक्स। अच्छा लगा मन्नी, कैसा है? गुड। 5-5 यूरो का भाई, 5 यूरो 5 यूरो 5 यूरो कुछ भी ले लो।
मतलब 500 रुपए का एक ग्लास है। खाली लाइन पड़ी है टिकट ऑफिस की। बिल्कुल, टिकट हमने ले लिया, 36 यूरो की पड़ी है टिकट हमारे को, दो अडल्ट और चिल्ड्रन फ्री है। अंडर 18 जो चाइल्ड हैं उनकी टिकट यहाँ फ्री है पोम्पाई आर्कोलॉजिकल साइट में। ये टिकट प्राइस है भाई 18 यूरो, 16 हो जाते हैं कभी, 18 रहते हैं, ऐसे ही है। और ये टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक लास्ट एंट्रेंस है, और 7 बजे बंद कर देते हैं। और टिकट काउंटर से यहाँ पे आप मैप ले सकते हैं जो ये ऑफिस बना हुआ है, और स्टार्ट हो जाता है पोम्पाई के रूम्स। और ये कुछ पहला नज़ारा, एक्चुअली बहुत धनी शहर हुआ करता था 2200 साल पहले लगभग। इन्होंने देखो बहुत एक बड़ा शहर बना दिया था जो कि रोमन साम्राज्य के सबसे धनी शहरों में एक हो गया था। अंदर वो होती थी पेंटिंग्स, इजिप्शियन स्टाइल की पेंटिंग्स है। और भारी अंदर चलेंगे तो बॉक्सेज होनी चाहिए, उन बॉक्स में पहले कपड़े कपड़े रखते थे बाथ में घुसने से पहले। ये है भाई सबसे पहले बाथ यहाँ पे, ये थर्मल बाथ स्टाइल में इन लोगों का बाथ एरिया होता था, पूरे शौकीन लोग थे। ये सारा चेंजिंग एरिया वगैरह था, एंट्री होती थी, एंट्री वगैरह यहाँ से। वाह, सारा बाथिंग एरिया था। ये अभी भी बने हुए हैं थर्मल बाथ तो कहीं कहीं ना, तुर्की वगैरह में। और ये मेन एंट्री थी पोम्पाई शहर को आने के लिए। क्या कह रहा मन्नी? ये रॉक बहुत थकने वाले फिर है मेरे। अभी से ही थक गया? नहीं। क्या बात, ये एक लकड़ी का घोड़ा था उस वक्त जिसके ऊपर सारी ये जो वॉल्केनो ऐश थी वो आ गई। और ये है पोम्पाई के लास्ट डे की कहानी। ये विसुवियस जो माउंटेन था वो एक ज्वालामुखी था, लेकिन जो यहाँ के लोग थे पोम्पाई के, उन्हें लगता था वो तो गॉड के प्रोटेक्टेड हाउस में है, मतलब उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 24 अक्टूबर को 79 में एक स्टडी के द्वारा पता लगा कि पहले माउंट विसुवियस से थोड़ी थोड़ी ऐश बाहर आने लगी, थोड़ा थोड़ा धुआं आने लगा, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा लावा बहकने लग गया और पूरा 24 घंटे तक लावा फेंकता रहा। लोगों ने कहीं ना कहीं पनाह लेने की कोशिश की, किसी ने अपने बेड पे, किसी ने ऊंची जगह पे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किन्हीं के ऊपर राख गिरने से मर गए, और कोई ज्वालामुखी के निकले हुए धुएँ के जहर से मर गए। और ये भाई देखो, ये एक ही परिवार के 4 लोग थे जो कि किसी बेसमेंट से निकाले गए थे, 2 बच्चे और 2 अडल्ट। ये शायद छुपने की कोशिश की गई होगी लेकिन नहीं बच पाए। और ये देखो इसके ओरिजिनल जो दांत हैं वो भी दिख रहे हैं। और ये देखो ओरिजिनल खोपड़ी। Thank you.
कैसी जगह लग रही है? ठीक। इनके बारे में क्या बता रहा था? ये गांधी जी लग रहे हैं। गांधी जी लग रहे हैं। गांधी जी लग रहे हैं। हाँ यार, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। भाई माउंट विसुवियस, जिसके अलावा से ये सारा का सारा शहर तबाह हो गया था और अभी भी कभी भी ये फट सकता है। एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया, देखो आप, एक दिन में ही खुदाई से निकले हुए भाई कुछ अवशेष। यहाँ पे बहुत से ब्रोथल्स थे जहाँ पर बहुत ही मतलब भोग विलास अलग ही लेवल पे हुआ करता था उस वक्त। और